सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं आपका दोस्त मनेंद्र सिंह गोला। और दोस्तों, आज रात के लगभग 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट तैयार कर रहा हूं, जो कि आज शाम को हमारे बैक ऑफिस के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आई हुई है। और उस अपडेट को मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैंने पहले से ही इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके रखा हुआ, ताकि आपको अच्छे से इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। ये जो अपडेट आई है वो आई है 15/7, यानी कि आज की डेट में 15/7/2022 में फ्राइडे को। और ये आई है शाम के टाइम पे 7:43 पर, 7:43 PM पर आई है। और ये भेजी हुई अपडेट है वो माइकल विलियम सर की एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। और इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी आर फाउंडर क्या आने वाला है, अगला जो स्टेप है ऑन पैसिव का वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे अपडेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है, फाउंडर्स एक्सपीरियंस द पावर ऑफ ऑटोमेशंस व्हाट इज कमिंग। जी हाँ, मैंने हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। संस्थापक अनुभव ऑटोमेशन की शक्ति, द पावर ऑफ ऑटोमेशन क्या आ रहा है। जी हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज कमिंग क्या आ रहा है। आगे पढ़ते हैं इसको। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा मैं। हेलो माई डियर्स फाउंडर्स, होप All is well with you. I know the anticipation is climbing what in these trying times. Please take care of your health and because a financial tsunami is coming. आप देखो, सुनामी का नाम यहाँ पे क्यों दिया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। सुनामी का नाम यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग समझ जाएं कि सुनामी क्या होती है। पैसे की बरसात कह सकते हैं इसको हम, एक ऐसी बारिश कह सकते हैं जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। जी हाँ, उसके बाद आप ये हिंदी में पढ़ते हैं। तो मेरे प्रिय संस्थापकों को नमस्कार, उम्मीद है कि आपके साथ सब कुछ कुशल मंगल है। मुझे पता है कि प्रत्याशा चढ़ रही है, जी हाँ, लेकिन इस कठिन समय में कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक वित्तीय सुनामी आ रही है। जी हाँ, वित्तीय सुनामी, एक पैसों की एक सुनामी आ रही है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, वी ऑल शुड नो दिस व्हाट वी ऑल शुड नो दिस व्हाट आई वुड लाइक टू रिमाइंड अस ऑफ व्हाट इज कमिंग। हम सभी को यह पता होना चाहिए, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि क्या रहा है। जी हाँ, उसके बाद यहां से पढ़ते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा है, अ पावरफुल ऑटोमेशन सिस्टम रन बाई ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी। ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित एक शक्तिशाली स्वचालित प्रणाली। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आ रहा है, एक पावरफुल ऑटोमेटेड सिस्टम आ रहा है जो कि ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी के द्वारा आ रहा है। जी हाँ, आगे पढ़ते हैं, लेट्स लुक इनटू योर फाइनेंशियल फ्यूचर। आइए हम अपने वित्तीय भविष्य को देखें। बिल्कुल, यहां से ही तो हमारे सपनों की शुरुआत होती है, और इसी का ही सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बिकॉज यहां से पढ़ते हैं एक बार और, ऑन पैसिव, जी हाँ, ऑन पैसिव ओपन्स इट्स डोर टू द पब्लिक टू स्टार्ट सेलिंग इट्स प्रोडक्ट थ्रू योर यूनिक डोमेन, यानी कि योर वेबसाइट। यू स्टार्ट विथ विच एवर प्रोडक्ट पैकेज दैट सूट योर बजट। ऑन पैसिव सेट्स अप एवरीथिंग एंड डिप्लॉयज इट्स मेकिंग कैंपेनिंग प्रोवाइडिंग द नीडेड ट्रैफिक्स टारगेटेड विजिटर्स पोटेंशियल कस्टमर्स टू योर वेबसाइट। ऑन पैसिव अपने उत्पादों की बिक्री शुरू करने के लिए जनता के लिए दरवाजे खोलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि हमारे जो दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से खुल चुके हैं। आपके विशिष्ट डोमेन, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप जो भी शुरू करें, उत्पाद पैकेज जो आपके बजट के अनुकूल हो, ऑन पैसिव सब कुछ सेट करता है और आवश्यक ट्रैफिक प्रदान करते हुए अपने मार्केटिंग अभियानों को लागू करता है। आपकी वेबसाइट पर लक्षित विजिटर, यानी कि संभावित ग्राहक,
दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस सेट के अंदर हमें ये मिली है कि हमारी जो मार्केटिंग कैंपेन है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो डोमेन या हमारी जो वेबसाइट है उसका लगभग काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी वेबसाइट से या हमारे लिंक से मार्केटिंग कैंपेन कंपनी शुरू कर देने वाली है। ओके नेक्स्ट, द सेल्स स्टार्ट्स टू कम इन, यू आर नाउ अर्निंग इनकम मनी यू कैन यूज टू पे योर मंथली बिल्स मनी टू पे ऑफ योर डेबिट्स मनी फॉर फन थिंग्स लाइक ट्रेवलिंग मनी टू हेल्प दोज इन नीड विद इन योर कम्युनिटी लाइफ इज गुड। बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ पर कही गई है कि अगर बिक्री आनी शुरू हो गई है दोस्तों, यहाँ पे बिक्री आनी तो शुरू हो गई है और आप आय अर्जित कर रहे हैं, पैसा आप अपने मासिक बिलों का भुगतान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए, धन यात्रा जैसी मजेदार चीज़ों के लिए, पैसा ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए, पैसा आपका समुदाय, जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात कही थी यहाँ पर इन्होंने, क्या कहा है इसको एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मनी यू कैन यूज़ टू पे योर मंथली बिल्स। आपके घर के अंदर बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो बिल्स आपके घर में आते हैं, जैसे कि आपका गैस का कनेक्शन हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, आपका बीमा हो गया, ऐसे बहुत सारे जो बिल्स होते हैं वहाँ से आप अपना पूरा सारा खर्चा करने के लिए रेडी हो जाइए। और मनी टू पे ऑफ योर डेबिट, जितने भी आपके पास कर्ज हैं उनको उतारने के लिए आप रेडी हो जाइए। उसके बाद मनी फॉर फन थिंग्स लाइक ट्रैवलिंग, कहीं भी घूमने का फिरने का, अगर आपको कहीं भी घूमना फिरना अच्छा लगता है तो बस उसके लिए आप एक एज ए फंड रेडी हो जाइए। और मनी टू हेल्प दोज इन नीड विद इन योर कम्युनिटी, अगर आपके कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर कोई नीडेड पर्सन है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, उसकी भी आप हेल्प कर पाएंगे। जी हाँ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। वॉट इज हैपनिंग, वॉट इज हैपनिंग, हाउ डज इट प्ले आउट, हाउ मच इज बीइंग पेड, क्या हो रहा है, यह कैसे खेलता है, कितना भुगतान किया जा रहा है। नेक्स्ट, गेस व्हाट, ऑल That does not matter. What matter is that you have a powerful hands free system that will do all heavy lifting for you, all of the selling for you, taking care of all your customers questions and concern. What are they doing? Enjoying life to its fluid. सोचो क्या वो सब, कोई भी किसी भी टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मायने रखता है कि आपके पास एक शक्तिशाली हाथ मुक्त प्रणाली है, वह आपके लिए सभी भारी भारोत्तोलन करेगा, आपके लिए सभी बेचना, अपने सभी ग्राहकों के सवालों और चिंताओं का ख्याल रखना। आप क्या कर रहे हो, जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। नेक्स्ट, If the money is no longer an issue, no more worrying how the mortgage will be paid, how the rent will be paid, where the food money is coming from, school fees for your children, etc. And if all that is covered by your own passive business income, then the specified do not matter. You will simply have funds coming in month after month with extra left over the help others. Yes, life is good. अगर पैसा कोई मुद्दा नहीं है और चिंता नहीं है कि बंधक कैसे हैं, भुगतान किया जाएगा, किराए का भुगतान कैसे किया जाएगा, खाने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपके बच्चों की स्कूल की फीस आदि, यह सब आपके ऑन पैसिव द्वारा कवर किया गया है। व्यापार आए तब बारीकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आ रहे होंगे महीने दर महीने। अतिरिक्त के साथ दूसरों की मदद करने के लिए
छोड़ा दिया। हाँ, जीवन आपका बहुत अच्छा है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट इज कमिंग। ओके, इट इज कमिंग टू माई फ्रेंड्स अ लॉट सूनर देन यू थिंक। जी हाँ, आ रहा है मेरे दोस्तों और आपके विचार से बहुत ही जल्दी, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं जल्दी हम सब लोगों के बीच में आ रहा है। ऑन पैसिव। नेक्स्ट, एंजॉय द काम बिफोर द स्टॉर्म्स। यस, द फाइनेंशियल सुनामी इज कमिंग टू योर बैंक अकाउंट एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। हेल्प इज ऑन इट्स वे। हैंग ऑन, लिसन टू सम साडे। लाइफ इज गुड, सक्सेस इज योर्स। तूफान पहले की शांति का आनंद लें, तूफान से पहले की शांति का आनंद लें। हाँ, आपके बैंक खाते में वित्तीय सुनामी आ रही है और आपके लिए बहुत उत्साहित हूँ। मदद जारी है, रुको कुछ, साढ़े सुनो। जिंदगी अच्छी है, सफलता आपकी है। ओके, तो दोस्तों ये थी बहुत ही बेहतरीन अपडेट जो कि आज सुबह लगभग, आज शाम को लगभग 7:30 बजे की, 7:45 बजे के आसपास ये अपडेट हमारे बैक ऑफिस के अंदर आ चुकी है। और ये बहुत ही बेहतरीन अपडेट है क्योंकि यहाँ पे सुनामी जो शब्द दिया गया है वो बहुत ही एक्साइटमेंट दे रहा है अंदर से। जी हाँ, सुनामी का मतलब आप समझ गए होंगे कि सुनामी क्या होती है। सुनामी एक प्रलय होती है। सुनामी जब आती है किसी भी एरिया के अंदर तो उसको तबाह कर देती है, यानी कि कोई भी उसको रोक नहीं सकता। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बहुत ही फाइनेंशियल सुनामी हम सब लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर आने वाली है। ओके दोस्तों, तो कैसी लगी आज की ये अपडेट? आई होप हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में इसको कन्वर्ट करके आपको मैंने बताने की कोशिश की। और रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजने के साथ साथ मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है और हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैंने आपको इसमें समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप आपको ये पूरी की पूरी जो अपडेट है वो समझ में आ गई होगी। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने जितने भी फाउंडर्स हैं और जितने भी लोग घबराए हुए बैठे हैं, जो डाउट में बैठे हुए हैं, आप उनको ज़रूर शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट्स के साथ। ये थी आज की डेट की हमारी सबसे ज़्यादा गरम धरम न्यूज़। ओके, थैंक यू सो मच।